हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। गाइस, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है फ्रिक्शन। ओके, तो बच्चों फ्रिक्शन आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक टाइप का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैंने आपको बताया था कि फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव, है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा होता है जो रास्ते पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं थोड़ा सा बता देता हूं जैसे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई यहां पे इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के पास आप एक फाइनली एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के आते हैं यहां पर, तो इनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा? रिपल्सन फोर्स। अब ये मतलब नहीं है इस चीज का कि आप इस इलेक्ट्रॉन को कहां से लेके आते हैं, ऊपर से, नीचे से, कहीं से, केवल डिपेंड करता है इनके बीच की दूरी पे, इनके बीच की दूरी पे आप किस रास्ते से इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के आते हैं, वो रास्ते का कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसा फोर्स जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करे, डायरेक्टली सेंटर टू सेंटर लगे, उसको आपके रास्ते से कोई मतलब ना हो, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, आपको मतलब नहीं पेरेंट्स को, उनको फाइनली मतलब है मार्क्स से। किससे मतलब है? मार्क्स से। आप किस रास्ते से पढ़ाई कर रहे हो उनको मतलब नहीं है, मतलब आपके जो कंजर्व जो पेरेंट्स आप पर फोर्स लगाते हैं एक तरीके का, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव है। बट अगर आपकी जो वर्क होती वो नॉन कंजर्वेटिव होती, वो पढ़ाई के रास्ते पर भी डिपेंड करती है, यस और नो? आप समझते हो कि पढ़ाई के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मगर आपके पेरेंट्स के लिए आपको मतलब किससे है? केवल मार्क्स से है, उनको रास्ते से मतलब नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं? वो कंजर्वेटिव थिंकिंग रखते हैं। बोलिए यस और नो? तो बट आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते और दूसरा जो पाथ पे डिपेंड करते। तो बच्चों जो हमारा फोर्स है फिलहाल यहां पे, वो कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन। किसको पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब फ्रिक्शन रास्ते पे डिपेंड करता है। बोलिए सोनो, आगे समझ में ना? इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ये मतलब मेरा बनाया हुआ लॉजिक है, इसको लॉजिक एकदम सही नहीं है। ये मान लो आपके जूते हैं, ये क्या है? जूते। अगर आप यहां से यहां तक पहुंच रहे हो तो पाथ छोटा है, तो जूते कम घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बोलिए यहां, है ना। तो यहां पर फोर्स अलग हो गया, जूते कम घिसे। बट यदि आप घूम घुमा के पहुंचेंगे इस पाथ पे, तो आपके जूते ज्यादा घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ? नॉन कंजर्वेटिव हुआ, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में ना? ये लॉजिक आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया है। अब इसको ये मत समझ लेना कि कंजर्वेटिव मतलब घिसना ज्यादा हो, नॉन घिसना कम हो, एंड नॉन कंजर्वेटिव। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं कि नॉन कंजर्वेटिव जो फील्ड होगा उसमें फोर्स जो होगा किस पर डिपेंड करेगा? पाथ के लेंथ पर, पाथ के टाइप पर। और मगर कंजर्वेटिव में वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। बस इतनी सी बात मुझे बतानी है आपको। आई बात समझ में ना? चलिए, तो दोस्तों ये हमने बात कर ली। किसकी बात कर ली? ये हमने आपसे बात कर ली फोर्सेस के टाइप के बारे में, कि फोर्स के दो टाइप होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। और आज जो हम आपके सामने फ्रिक्शन आपको पढ़ाने वाले हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो यहां तक की लाइन क्लियर है एकदम? चलिए अब देखिए फ्रिक्शन कैसा फोर्स है। आपके सामने एक कार्टून रखा हुआ है जमीन पे, ये आपके सामने क्या रखा हुआ है? कार्टून। जैसे ही आपने अप्लाई फोर्स लगाया, आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, वैसे ही एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, मोशन के बैकवर्ड डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा, मोशन के बैकवर्ड डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। ये फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहलाता है? ये फ्रिक्शन फोर्स। और बड़ी मजे की बात है, फ्रिक्शन फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जी हां, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इस बात को आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है। ये देखिए आपके पास में एक ब्लॉक है, आप एक बोरा है,
किसका, वो गेहूं का बड़ा भरा हुआ बोरा, या आपने कभी किसी चीज़ को घसीटा हो तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये गेहूं का बहुत भरा हुआ है, यहाँ पे सैक आपके पास बोरा रखा हुआ है और आप यहाँ पर आ करके लगाना चाहते हैं फोर्स, और ये मैं आपके एक एक्सेस में मैं फोर्स ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक एक्सेस में फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स। क्या ले रहा हूँ मैं? फ्रिक्शन फोर्स। आइए देखते हैं, तो जिस समय आपका फोर्स जीरो था उस समय फ्रिक्शन फोर्स भी क्या था? जीरो, क्योंकि मतलब नहीं था उस समय यहाँ पर कुछ। बट जैसे ही आपने यहाँ पर आ करके एक न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने का? एक न्यूटन का, तो फ्रिक्शन भी एक न्यूटन का डेवलप हो गया, मतलब आपके लगाए हुए के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आ गया। समझ में आ गया? मतलब आपने लगाया एक और पीछे से भी क्या लग गया? एक, और इसलिए टोटल फोर्स कितना हो गया? जीरो। टोटल फोर्स कितना हो गया? जीरो, मतलब फ्रिक्शन जो है बराबर हो गया, इसीलिए बोरा टस से मस नहीं हुआ। बोलिए सोनो। फिर आपने लगाया फोर्स और बढ़ाया, आपने बढ़ाया दो, वहां से फ्रिक्शन भी कितना हो गया? दो। फिर आपने बढ़ाया तीन, यहां से फ्रिक्शन भी हो गया कितना? तीन। तो जैसे आप बढ़ा रहे हैं, ये देखिए आपका ये आपका फोर्स है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, तो आपका वन उसका भी वन, फिर आपका टू तो उसका भी टू, फिर आपका थ्री तो उसका भी थ्री। बोलिए सोनो, क्लियर हो गया ना? आप हटाने की कोशिश करेंगे इस टेबल को और ये टेबल हटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं, यस और नो, जमीन उस बॉडी पर उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगा रही है, यस और नो, क्लियर हो गया? तो आपके दोनों फोर्सेस मर गए, यहां से आपने प्लस वन लगाया, यहां से लग गया माइनस वन, यहां से आपने प्लस टू लगाया, यहां से क्या लग गया? माइनस टू, है ना? आप इसकी छोटी सी एक उसके बुक को उठाना, वहां से आप इस छोटे से इस एक्सपेरिमेंट को, ये बुक रखिए यहां पर, और इस बुक को इस हल्का हल्का फोर्स बढ़ाते जाइए। ये देखिए बुक जो है धीरे 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 एक लिमिट होगी जब तक ये ब्लॉक जो है यहां से हटेगा नहीं। आपने फोर्स बढ़ाया फोर, यहां से भी उल्टा कितना मिल गया? फोर। ये देखिए आपने फोर बढ़ाया, यहां भी फोर हो गया। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, जरा देखिए ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया, बेटा फोर हो गया। देख रहे हो? ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही है? मतलब सेल्फ ये जीरो था, जब कुछ नहीं लगाया था तो कुछ लगेगा भी नहीं, फ्रिक्शन ये हो गया। बट एक सीमा तक आपका ये नहीं हिलेगा, तब तक ये फोर्स क्या करता जाएगा? काउंटर करता जाएगा। क्या करता जाएगा? काउंटर, जितना आप लगाओगे उतना वापस। बट एक समय आएगा जैसे ही आप बिल्कुल मैक्सिमम फोर्स लगाओगे और ये हिलने की स्थिति में आ जाएगा, यस और नो? तो वो मैक्सिमम फोर्स आ गया, यस और नो? उसके बाद बॉडी चलना शुरू हो जाएगी, यस और नो? और आप लगा करके महसूस कीजिए, किसी भी ब्लॉक में फोर्स लगाइए, देखिए फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर वो मैक्सिमम फोर्स आएगा, उसके बाद बॉडी कंपैरेटिवली ईजिली मूव करेगी, मतलब फ्रिक्शन कम लगेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा? कम लगेगा। जब आप किसी बड़े कार्टून को खिसकाते हैं तो पहले दम लगाते हैं और फिर कोई सामने से आता, अरे 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 हटो 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 भैया हटो हटो हटो, क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता है कि भैया जो मेहनत शुरुआत में लगी है वो ज़्यादा है, उसके बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये देखिए फ्रिक्शन हाइएस्ट यहाँ तक गया है कि नहीं गया है? ये देखिए ये कब गया था? जब आप उस बॉडी को खिसटाने का प्रयास कर रहे थे तो आपने एक समय मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। बोलिए लगाया कि नहीं लगाया? ये देखिए आपका ये मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स है, यस और नो? ये मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा ये कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा? बोलिए, आगे बस समझ में ना। तो ये जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद ये एकदम से कम होता है और बॉडी आपकी घिसटना शुरू हो जाती है। बोलिए यस और नो? और बॉडी जब घिसटना शुरू हो जाती है तो एक कांस्टेंट अमाउंट का फ्रिक्शन लगता है, जिसको बोलते हैं अपन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो तीन प्रकार के फ्रिक्शन यहां पर ऑपरेट होते हैं। एक, जब तक बॉडी रुकी रहती है, ये देखिए यहां तक बॉडी रुकी है, बोलिए हाँ है ना? तो जब तक बॉडी रुकी हुई है तब तक कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब तक बॉडी रुकी हुई है बेटा, तब तक आपके पास जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलिए हाँ है ना? तब तक क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ज्यों ही बॉडी चलने की स्थिति में आ गई
उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा और वो फ्रिक्शन कहलाएगा बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी नाइस। और जब बॉडी चलने लगती है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स बनेगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? इसमें से याद रखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसा है बेटा? सेल्फ एडजस्टिंग है। समझ में आ गया ना? मतलब यदि मान लीजिए कि आपसे कहा गया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो है 9 न्यूटन। क्या है? 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन के पहले 0 न्यूटन से लेकर के 8 न्यूटन तक का सारा मामला किस में आएगा? स्टैटिक में। किस में आएगा? स्टैटिक में। तो अगर आप 0 लगाओगे तो बदले में आपको 0 मिलेगा, 1 लगाओगे तो बदले में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 लगाओगे तो बदले में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि भैया बॉडी स्टैटिक है ना, तो स्टैटिक में जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही वापस आपको मिल जाएगा। बोलो आगे समझ में ना। उसके बाद फिर आपका पहुंच जाएगा लिमिटिंग पे, और लिमिटिंग के बाद किस में पहुंच जाएगा? काइनेटिक पे। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा बड़ा फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस और नो? और लिमिटिंग के बाद जो होता है काइनेटिक होता है, और स्टैटिक तो सेल्फ एडजस्टिंग है। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। समझ में आ गया? और आपसे पूछा जाए व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये देखो स्टैटिक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गया ना? मगर एंड वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। ये समझ गया ना? किस वैल्यू की बात कर रहा हूं? एंड की। आप हर जगह से कंपेयर मत कर दें, एंड वैल्यू के बराबर या उससे बड़ा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट है बच्चों यहां पर? भाई काइनेटिक और लिमिटिंग के बीच में डिफरेंस देखो, लिमिटिंग जो आप देखो, आपने देखा था एकदम से वो कह रहा है अरे हटो हटो हटो, बिल्कुल देखिए आप इसको लगा करके देखिए, इसमें फोर्स लगाइए, बिल्कुल माइन्यूटली फोर्स लगाइए, तब आप फील कर पाएंगे 0 1 2 3 4। हाँ फिर खसकाओ भी तो 0 1 2 3 4 हो गया ना। तो आपने देखा पहले फोर्स लगातार बढ़ाना शुरू किया, बढ़ा 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 बढ़ा, फिर एकदम से बढ़ा, बोलो हाँ, है ना, हाईएस्ट लेवल में, फिर वो वहां पर क्या हुआ, एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, है ना, गाड़ी चल पड़ी, और चलने के बाद फिर फ्रिक्शन मामूली कम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? तो ये जो चल पड़ा वहां पर जो फ्रिक्शन है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो जो हाईएस्ट आपने सबसे ज्यादा फोर्स लगाया था उस समय फ्रिक्शन सबसे तगड़ा था, बोलिए यस और नो, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? आई बात समझ में? तो ये फ्रिक्शन ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? ये फ्रिक्शन ग्राफ। समझ गया ना? आइए देखिए, देखते हैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है। ये शीट आपको मैं आपको दे चुका हूं, आप लोग पढ़िएगा इसको, बहुत ही प्यारी बुक है ये। व्हेन आवर बॉडी मूव्स और टेंड टू मूव ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ए फोर्स कम इनटू प्ले व्हिच एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हिच एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, मतलब लेयर का लेयर के ऊपर, सरफेस का सरफेस के ऊपर ये मोशन को अपोज करता है। अगर बॉडी आगे जाएगी तो ये पीछे लगेगा, पीछे जाएगी तो आगे लगेगा। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिक्शन फोर्स। आई बात समझ में ना? चलिए अब देखते हैं, ये तो हम कर चुके हैं, इसमें फ्रिक्शन फोर्स वाला कंसेप्ट हम कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं, ये ग्राफ देखते हैं, ये देखिए, हाँ फ्रिक्शन के होने का वजह क्या है बेटा? देखिए फ्रिक्शन के होने की वजह है, ये देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो आप अभी घसीट रहे हो बॉडी को। फ्रिक्शन के कई टाइप होते हैं बच्चों, तो फ्रिक्शन का जो टाइप अभी हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिस्कस हम आपके सामने फ्रिक्शन का टाइप, ये देखिए फ्रिक्शन के टाइप में हम आपके सामने बॉडी को घसीट रहे हैं। बोलिए यस और नो? बॉडी क्या कर रहे हैं? घसीट रहे हैं, धक्का मार के घसीट रहे हैं। तो यहां पर जो फ्रिक्शन ऑपरेट होगा इसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे हम बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बट यदि मैं एक सरफेस पर एक रोलर ले लूं या एक सिलेंडर ले लूं, ये देखो गैस का सिलेंडर जब आप ले करके आते हो या लोग उतारते हैं, हॉकर्स उतारते हैं, तो क्या करते हैं वो? रोल करते हैं उसको, जमीन में ढुड़का के लाते हैं। लाते कि नहीं आते हैं? हाँ है ना, ढुड़का करके लाते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन कहलाता है ये कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? रोलिंग फ्रिक्शन। आप समझ सकते हैं कि यदि इसको सिलेंडर को घसीट के लाएंगे तो बहुत ताकत लगेगी, इसलिए इसको लुढ़का करके लाना पड़ता है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू कम होती है और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। बेटा आया समझ में ना? तो चलिए फ्रिक्शन का कारण क्या है? आप देख रहे हैं दो आपके पास सरफेस है, यस और नो? सरफेस वन और सरफेस टू। जब आप मूव करते हैं ना बेटा, तो जो रिलेटिव इनके बीच में इंटरलॉकिंग बनती है, क्या बनती है? इंटरलॉकिंग। ये देखिए इनके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ये इस तरीके का है, ऊपर वाली बॉडी ये है और नीचे वाली बॉडी, ये बॉडी वन है और ये बॉडी
टू है या ग्राउंड मान लो, समझ गए ना। तो जब आप मूव करते हैं तो इनके बीच बहुत छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, इनमें क्या बनती है इंटरलॉकिंग, क्या बनती है इंटरलॉकिंग, समझ गए ना। फिर उसमें क्या बन जाते हैं बॉन्ड बन जाते हैं, जैसे वो पास में आते हैं तो हल्के हल्के बॉन्ड बन जाते हैं, उस बॉन्ड को हमको तोड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है तोड़ना पड़ता है, समझ में आ गया, क्लियर ना। तो इनके एटॉमिक या मॉलिकुलर फ्रैक्शन अट्रैक्शन के कारण उसको हमको तोड़ना पड़ता है, समझ गए ना। और क्यों बनती है, क्योंकि हर सरफेस में थोड़ी सी थोड़ी इरेगुलरिटीज होती है, ड्यू टू द सरफेस इरेगुलरिटी। ये देखिए लाइन दिख रही है आपको, इरेगुलरिटी हर सरफेस, चाहे आपको कोई कितना स्मूथ दिखे, परफेक्टली स्मूथ तो बना पाना मुश्किल है ना, आपको किताब आपके लिए स्मूथ लग रही है, जब इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे ओ माई गॉड बड़े बड़े गड्ढे होंगे, क्या होंगे बड़े बड़े गड्ढे, दूर से तो चांद भी बड़ा स्मूथ लगता है, बोलो जी हाँ या ना, मगर जब पास में जाओ तो समझ में आता है, आता है कि नहीं आता। चलिए तो भाई साहब ये रही फ्रिक्शन की कहानी, अब आइए देखते हैं ग्राफ। ये देखो भाई साहब ये फ्रॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये देखिए इसको कैसे किया गया, सेटअप बनाया गया बेटा। ये देखिए ये पुल्ली है, इसके पुल्ली से वेट लटका गया है, और वेट इधर इधर लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये इधर खींचेगा वेट नीचे गिरेगा, बोलो यस और नो, वेट नीचे गिरेगा तो बॉडी कहाँ खींचेगी इधर, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए यस कि नो, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। और इस फ्रिक्शन का ग्राफ ये बनाया गया, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा 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 बड़ा, बोलो हाँ ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है उसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस और नो, क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसको हम लिखेंगे एफ एल इक्वल टू एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू, बोलो हाँ ना। उसके बाद भाई साहब जैसे गाड़ी चल पड़ी फ्रिक्शन एकदम से कम होता है और फिर एक कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन काम करता है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, बोली क्लियर है कि नॉट क्लियर, ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर है, कुछ डाउट है। चलिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले बिटवीन द बॉडीज बिफोर द बॉडी एक्चुअली स्टार्ट मूविंग द अदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक बॉडी एक दूसरे के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करती है तब तक इसको हम क्या बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एक्स विच कम्स इन टू प्ले वेन अ बॉडी स्टार्ट मूविंग अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये देख लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा बराबर होता है या कम होता है, ये चीज मैंने पहले लिखी थी आपको, यस और नो, कि एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, या उसी को एफ एस मैक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया ना जी, एनी प्रॉब्लम? हाँ, फिर इसके बाद गाड़ी चल पड़ी, वंस द मोशन हैज बिगन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस अ स्मॉलर फोर्स इज नाउ नेसेसरी टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन। इस समय यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए एक छोटे से फोर्स की जरूरत तो है, मगर इस समय भी सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के रिलेटिव डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन, या उसी को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले वेन अ बॉडी इन ए स्टेट ऑफ स्टेडी मोशन ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, इट इज कॉल्ड एफ के। बोलिए जी ठीक है, तो ये बन गया भाई साहब अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन का, मैंने आपको बता दिया है सारे टाइप के फ्रिक्शन हो चुके हैं। हम बच्चों अब आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कंडीशन तो मैंने बता दी है कि देखिए जो रूल था फॉर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है लिमिटिंग से कम होती है, ये सुनो एफ के इज लेस देन क्या है एफ लिमिटिंग या एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स। बोली क्लियर है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? तो हमने सारा का सारा ये पढ़ लिया है, अब आगे देखते हैं, आगे 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 चलो आगे चलते हैं। ये है भाई साहब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टेट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। इसमें से हालांकि लास्ट का लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के मैथमेटिकली, है ना, बट हम सारे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप जानते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज जस्ट स्टार्ट मूविंग, इज जस्ट स्टार्ट, जब वो स्टार्ट करने वाली होती है ना। जब आप बोलते हो जोर लगा के हाई सा वाला जो वर्ड आता है ना, जिसमें पूरी ताकत झोंक देते उसको उठाने के लिए, यस और नो, चलाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो भाई साहब मूव ओवर द अनदर सरफेस अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं, पहला लॉ पढ़िए बेटा, फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज फाउंड, थोड़ा तेज पढ़ो भाई साहब माइक लगा हुआ है। हाँ, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज फाउंड टू ओबे द फॉलोइंग लॉज। हाँ, द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ भाई साहब, देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस की सरफेस कैसी है ना, और उनमें कितनी पॉलिश की गई है। याद रखिएगा ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया ज्यादा हो या कम
फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, समझ गया? सरफेस के टाइप पर डिपेंड करेगा सरफेस के एरिया। नेक्स्ट है द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्स टेंजेंशियली टेंजेंशियल टू द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन। हाँ, ये जो है भैया ये सरफेस टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे ये बॉडी लग रही है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ये बैक साइड में, देख रहे हो एफ लिखा हुआ ना, ये काम कर रहा है मतलब बैक साइड के मोशन पे। अगला है द लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस, ये देखिए आईएमपी लिखा है भैया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो रहा है एरिया से, मतलब एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम, जब तक नॉर्मल रिएक्शन बदल नहीं रहा है, जब तक नॉर्मल रिएक्शन बदल नहीं रहा है तब तक ये एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, अगर नॉर्मल रिएक्शन बदल रहा है, अगर नॉर्मल रिएक्शन बदल रहा है तो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ एरिया पे, आ गया समझ में ना? हाँ, मतलब टाइप ऑफ सरफेस पे। तो मगर ये जो फ्रिक्शन है ये एरिया पे कहीं से कहीं डिपेंड नहीं करेगा। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ क्या लिखा है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टू सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द टू सरफेस। तो देखिए यहाँ पे वेट डब्ल्यू है, ये लग गया भैया अपना एक्सटर्नल फोर्स, ये लग गया नॉर्मल, तो क्या कह रहा है फ्रिक्शन पीछे लगेगा नहीं लगेगा? तो क्या रूल बन रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, अब मैं भैया बार बार मैक्स नहीं लगाऊंगा यार, या तो एल लगा लूं या एस लगा, तो मैं एस लगा लेता हूं। क्या लगा लेता हूं? एस। और ये लॉ लिमिटिंग के लिए ही लगेगा। आपको लगेगा सर एस का मतलब तो स्टैटिक होता है, तो भाई साहब या तो आप एल लगा लो या एस लगा लो, एस मैक्स लगा लो। तो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, इसको एन भी बोलते हैं। आ गया समझे ना? बोलो क्लियर हो गया? तो देखिए भाई साहब ये बन गया अपने पास एफ लिमिटिंग इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन, मतलब एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आ गया? एफ एस प्रोपोर्शनल टू आर, फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी आर के नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। आई बस समझ में ना? तो नाउ अब मैं इसको शॉर्ट लिखता हूं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर, सो एफ इज इक्वल टू, बेटा प्रोपोर्शनल हटेगा इसको बोलते हैं म्यू आर। क्या आ गया? म्यू आर। बेटा यहां पर म्यू कहलाता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। और म्यू जो होता है बेटा ये बताता है कि सरफेस कैसी है, म्यू जो है क्या बताता है? सरफेस कहती है। म्यू का वैल्यू हमेशा बेटा जीरो से बड़ी होती है, जीरो से क्या होती है? बड़ी होती है। म्यू की वैल्यू अगर जीरो है मतलब इसका मतलब है आइडियल पॉलिश सरफेस, स्मूथ सरफेस, आइडियली स्मूथ सरफेस जो आज तक कभी बनी नहीं है, समझ गए ना? एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है बेटा, तो म्यू का मतलब जीरो वो हो चुका है। समझ में आ गया? सो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू आर। अब इसको यदि आपको समझना है कि सर देखिए आर बढ़ने से फ्रिक्शन फोर्स कैसे बढ़ेगा, बहुत ही सिंपल है बेटा। आप देखिए ये आपके पास एक किताब रखी हुई है, आपका वेट कितना है एम जी, बोलो हाँ, मान लो एम जी 10 न्यूटन है, तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन आर भी कितना निकलेगा? 10 न्यूटन। कितना निकलेगा? 10 न्यूटन। अब आप अभी आप किताब को खसकाओ, देखो बड़े आराम से फ्रिक्शन कितना लग रहा, खसका के देखो भाई साहब इसको नॉर्मली, ये देखो खसका दिया। अब आप एक काम करो, अपना एक हाथ जोर से इस पे दबा दो, हाँ ये देखिए भाई साहब आपने इसका एक्शन बढ़ा दिया, हाथ का भी एक्शन आ गया, वेट आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब एम जी और प्लस आपके हाथ का वेट मान लो 7, तो 10 और 7 कितना हो गया? 17। तो रिएक्शन कितने का पड़ेगा बोलो? 17 का, क्योंकि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन बन जाएगा, बोलो हाँ है ना? तो रिएक्शन भी 17 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन रखो तो। हाँ अब देखो, अब आप जोर से दबा के अपने हाथ से इसको खसकाओ, खसकाओ, दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? मतलब क्या हुआ भाई साहब? सीधी सीधी बात है, रिएक्शन बढ़ गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया। यस और नो? रिएक्शन बढ़ गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। एफ इज इक्वल टू म्यू आर, एफ इक्वल टू म्यू आर। बट याद रखना ये जो लॉ है ये किस पर लगेगा? लिमिटिंग पर। किस पर लगेगा? लिमिटिंग पर। आ गई बात समझ में ना? तो ये म्यू क्या कहलाता है? म्यू को कहते हैं कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड म्यू की वैल्यू कितनी होगी? एफ एस अपॉन आर, एफ एस अपॉन आर। तो इसकी ना तो कोई डायमेंशन होती है और ना तो इसकी यूनिट होती है, क्योंकि ये एक कोफिशियंट है। क्या है ये? कोफिशियंट। समझ में आ गया? देख लो आप लोग, एफ एस मैक्स
इज इक्वल टू आपने पढ़ा म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू कितना आर, तो बेटा यहाँ से म्यू एस की वैल्यू कितनी हो गई राजा एफ एस मैक्स अपॉन में कितना आर। भाई साहब ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, लुट पिट गए, बचा कुछ नहीं है, या ना। तो इसकी यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, डायमेंशन के नाम पर खाली 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 एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और यूनिट के नाम पर कोई यूनिट भी नहीं होगी। बोलिए आ गया समझ में, क्योंकि ये कोफिशियंट है। क्या ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो भाई साहब ये अपना हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की बातें अपनी पूरी हो चुकी हैं, ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे पूरा करा दिया है। अब इसके बाद आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या आता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगला कंसेप्ट है हमारा जबरदस्त। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम को मैं ले करके चलता हूँ साइड में, और फिर हम करेंगे इसकी जाँच पड़ताल। ये लीजिए सर, आ चुका है आपके सामने एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखते हैं हम, ये आपके सामने एक बेटा बॉडी रखी हुई है, बोलो जी रखी कि नहीं रखी हुई है। ये बॉडी का वेट नीचे एक्ट कर रहा है, हाँ या ना। ये आपने अप्लाइड फोर्स लगा रखा है, इसको बोलते हैं पी फॉर पुल। क्या बोलते हैं? पुल फोर्स है। कैसा फोर्स है? पुल फोर्स है। अरे कोई भी नाम दे सकते हो, आपने पुल लगा रखा है, ये ब्लू पुल। हाँ जी, ये आपने पुल फोर्स लगा रखा है। अब इस पुल फोर्स के बाद यहाँ पर क्या लग गया? फ्रिक्शन लग गया। क्या लग गया? फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस, बोलो जी हाँ। तो ये बॉडी है, बॉडी पे आपने यहाँ पुल फोर्स लगाया, इससे कोई मतलब नहीं अपना। ये बॉडी का एक्शन है एम जी डब्ल्यू वेट, ऊपर की तरफ क्या जा रहा है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। और ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, कहो जी हाँ या ना। ये क्या है हमारा? फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट बनाओ पैरेललोग्राम लॉ से, ये सुनो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यू कहीं पर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? किसका किसका रिजल्ट बेटा? नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन फोर्स का। तो रिजल्टेंट ऑफ एफ मैक्स मैक्स एंड आर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये निकल गया रिजल्टेंट इसका बेटा। ये जो रिजल्टेंट निकलता है ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बनाता है? नॉर्मल रिएक्शन के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो आइए फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं भाई साहब। ये नॉर्मल रिएक्शन, बोलो हाँ। ये क्या है? बोलो ना, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। और ये क्या भाई साहब? दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट। तो दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया, तो डिफाइन कर देते हैं भाई साहब। What is angle of friction? The angle of friction may be defined as the angle which the resultant of the limiting friction and the normal reaction makes with normal reaction. समझ गए? मतलब limiting friction का और normal reaction का जो resultant होगा वो normal के साथ ही जो angle बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? Limiting friction. आ गई बात समझ में? Sorry, angle of friction. क्या बोलेंगे? Angle of friction. बोलो clear है? चलो भाई साहब आ जाओ। हाँ, ये क्या है? ओ ए। क्या है ये? ओ ए। तो ओ ए किसके बराबर है? फ्रिक्शन के बराबर, फ्रिक्शन के बराबर। ये है ए सी। ए सी किसके बराबर है भाई साहब? नॉर्मल रिएक्शन के, बोलो हाँ। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, यहाँ पे लगाता हूँ मैं टेन थीटा। क्या लगाता हूँ? टेन थीटा। लगा दूँ टेन थीटा? चलिए टेन थीटा लगाता हूँ। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर ये बनेगा नहीं बनेगा? परपेंडिकुलर क्या है बेटा? एफ एस, हाँ या ना, अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा ये बन गया, अपॉन बेस क्या बनेगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बेस कितना है बेटा? आर। बेस क्या है? आर, हाँ या ना। और हम लोग जानते हैं कि एफ एस अपॉन आर अभी पढ़ करके आए हैं भाई साहब पिछले वाले पेज में। एफ एस अपॉन आर क्या होता है बोलो? म्यू एस। क्या होता है? म्यू एस। तो यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर बोले तो क्या? कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ या ना। मतलब टेन थीटा अल्टीमेटली किसके इक्वल हो गया? म्यू एस के। किसके इक्वल हो गया? म्यू एस के। आ गई ना बात समझ में? टेन थीटा अल्टीमेटली म्यू एस के इक्वल हो चुका है। तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, मतलब कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का किसके इक्वल होता है? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के। समझ में आ गया? दस द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया? जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। कोई दिक्कत बन जाएगा? चलिए कोई दिक्कत ना, चलिए वेरी गुड। तो आपने देख लिया टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। भाई साहब इसमें अगला कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए?
अगला आ रहा कंसेप्ट एंगल ऑफ रिपोज। बेटा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को, सही है ना एकदम। अब अगला कंसेप्ट आ रहा है एंगल ऑफ रिपोज, और यही एग्जाम में आता है कि एंगल ऑफ, दो चीजें इस एग्जाम में आती हैं, देखिए कई चीजें आती हैं। एक तो मैंने जो आपको पढ़ा दिया वो डायग्राम वाला लिमिटिंग डेफिनेशन, दूसरा व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अगला आता है एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन। बेटा मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है ऐसा कुछ, ये था नॉर्मल रिएक्शन, ये था फ्रिक्शन फोर्स, ये था इन दोनों का रिजल्टेंट, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन बना था, बोलो है ना। इसको बेटा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, समझ गए ना। तो लैम्डा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। भले वहां पर बुक में थीटा से कर रखा उसकी बात छोड़ दो, है ना, यहां पर किससे कर रखा है, थीटा से, बट ज्यादातर बुक्स में आपको किससे मिलेगा बेटा, लैम्डा से, किससे मिलेगा, लैम्डा से। तो आपने देख भी लिया है कि टेन लैम्डा यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट होगा वो किसके इक्वल है, म्यू एस के, वेरी गुड, किसके इक्वल है, म्यू एस के। इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एक सरफेस है उसमें कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है 45 डिग्री, कितनी डिग्री है 45, बताइए सरफेस का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो आप जानते हो म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा, बोलो हाँ, तो 10 और लैम्डा की वैल्यू कितनी डिग्री 45, 10 45 कितना हो गया 1, मजे आ गया, आंसर आ गया 1, क्लियर हो गया ना। तो ऐसे छोटे छोटे फार्मूले भी आप लगा करके इसके आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज, क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ये देखिए आपको हम एक नए डायग्राम पर लेकर के चलते हैं जाई, ये आपके सामने एक नया डायग्राम है, ये देखिए आप नया डायग्राम है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, क्या बोलते हैं इसको, इंक्लाइंड प्लेन। पहले मान लीजिए कि दो पट्टे थे जो एक के ऊपर एक रखे थे, ये पट्टे दो हैं, आपने ये ब्लॉक रख दिया है, बोलो हाँ है ना, ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि इस पर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, क्या फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, केवल एम जी लग रहा है, तो ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन है, बोलो आर, हाँ है ना। अब आपने क्या किया, आपने ऊपर वाला पट्टा धीरे 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 ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया, पहले आपने यहाँ तक उठाया, बोलो हाँ, तो ब्लॉक ऐसा हो गया, फिर आपने थोड़ा और उठाया, ब्लॉक ऐसा हो गया, फिर आप ऐसी स्थिति पे ले आए कि ये ब्लॉक जस्ट गिरने ही वाला था, जस्ट गिरने ही वाला था, मतलब मोमेंट जस्ट शुरू ही होने वाली थी, उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑपरेट होगा कि नहीं होगा सरफेस पे। तो ये देखिए भाई साहब, उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है एफ एस मैक्स, हाँ या ना। अब ब्रेक कर लीजिए, इस समय ये एंगल यहां पे क्या है, फाई, क्या एंगल, फाई, यस और नो। तो अगर ब्लॉक जब गिरने की स्थिति में हो, मतलब ब्लॉक पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगे, उस समय जो इंक्लाइंड का एंगल बनता है प्लेन का, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, क्या बोलते हैं बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन को आपने उस स्थिति में रख दिया है कि जिस समय बस ब्लॉक गिरने वाला हो, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की स्थिति हो, तो उस समय बेटा जो यहां पर एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। आइए बाकी बात कर लेते हैं बच्चे, ये देखो भाई साहब, ये अपने पास है, बोलो एम जी, बोलो हाँ, ये अपने पास क्या बच्चा, एम जी। अब एम जी ये फाई है, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा, फाई, इसको फाई से शो कर दिया है, कोई बात नहीं, ये एंगल भी कितना होगा, फाई, हाँ है ना। अब एम जी का एक कंपोनेंट टूटेगा, बोलो कितना होगा, एम जी कॉस फाई, और एम जी का दूसरा कंपोनेंट टूटेगा, क्या हो जाएगा, एम जी साइन फाई, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, आर, कितना लग रहा है, आर। आइए तो देखते हैं अपन क्या होगा आगे, मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आर इक्वल टू एम जी कॉस फाई, बोलो यस और नो, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एफ आर इक्वल टू एम जी साइन फाई, पक्की बात, दोनों बैलेंस हो गए, चलिए दोनों को डिवाइड कर दो, ये डिवाइड, एम से एम, जी से जी, क्या हो गया, कैंसिल, एफ आर अपॉन आर इक्वल टू टेन फाई, बोलो हाँ या ना। और आपको पता है फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू एस होता कि नहीं होता, तो म्यू एस इक्वल टू क्या हो गया, टेन फाई, ये सुनो। और इसके पहले आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, याद करो, जो यहां पर बनाया था, तो आपने पढ़ा था कि म्यू एस इक्वल टू टेन लैम्डा, याद आ गया, तो भैया म्यू एस इसके भी बराबर है और म्यू एस इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर हुए, मतलब टेन लैम्डा इक्वल टू टेन का क्या, फाई, टेन से टेन कैंसिल, मतलब लैम्डा इक्वल टू फाई,
पाई, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपस में क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं. सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर होते हैं. देख लीजिए, तो आपने यहां से फाई के फॉर्म में निकाल लिया म्यू एस इक्वल टू टेन फाई, बोलिए सनो. अब दोनों में रिलेशन से बैठा लेंगे, फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये तो हो गया. हाँ जी, ये हो गया. अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप, क्योंकि म्यू एस इक्वल टू कितना है टेन फाई और म्यू एस इक्वल टू कितना है टेन थीटा, बोलो यस और नो. तो दोनों को इक्वेट करने पर क्या आ गया, थीटा इक्वल टू फाई. आ गया समझ में, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों ही एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है. क्लियर है जी. सो बच्चों ये है हमारा फ्रिक्शन, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है. अब इसके बाद बच्चों फ्रिक्शन के अलग अलग केसेस आ रहे हैं, वो केसेस को मैं आपको डिस्कस कराऊंगा. न्यूटन्स लॉ लगाने में आप लोग बहुत अच्छे हो ही चुके हैं. अब जो बच्चों हमने केसेस पहले पढ़े थे विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट, अब हम फ्रिक्शन के साथ पढ़ेंगे. तो पहले भैया केवल एम जी साइन थीटा लगता था, बोलो हाँ ना, और एम जी साइन थीटा को बैलेंस कौन करता था, पुल पी. अब दो लोग लगेंगे, एम जी साइन थीटा भी लगेगा, साथ में क्या लगेगा, एफ के भी लगेगा. तो इक्वेशन क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के इक्वल टू कितना, पी. ये देखिए इक्वेशन बना है, पी इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ के. आया ना मजा. तो अब भैया फ्रिक्शन के साथ हमको लॉज ऑफ मोशन को इम्प्लीमेंट करना है. समझ में आ गया, फ्रिक्शन के साथ लॉज ऑफ मोशन को हमको इम्प्लीमेंट करना है. तो आइए प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं.